हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे, दोपहर का टाइम हो रहा है, मतलब शाम हो ही रही है। और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी यहाँ पे, तो मैं सोच रही हूँ यार क्या खाऊं। फ्रिज में ओनली मीठे स्वीट्स वगैरह ज्यादा रखी हुई है, और मेरा स्वीट्स खाने का तो अभी बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने कहा एक छोटी सी एप्पल लेके आई हूँ। और सोच रही हूँ कुछ और बनाऊं, तो बनाने का भी मन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ मखाना रोस्ट करने के लिए। मखाना हेल्थी ऑप्शन है, और मैंने बहुत दिनों से, पता है, मखाना खाने की सोचती थी तो मैं खाती नहीं थी, बट आज जब भूख लग रही है तो मैं खाऊंगी, तो मखाने रोस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं मखाने रोस्ट कर रही हूँ। मखाने बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एजी स्नैक खाने के लिए, क्योंकि इसमें होता है बहुत ज़्यादा कैल्शियम, जो कि इस टाइम पे आपको और आपके बेबी को दोनों को नीड होती है। तो मखाने से काफ़ी अच्छा कैल्शियम आप लोगों को मिल जाता है, तो आप मखाने को रोस्ट करके खा सकते हो एजी स्नैक। साथ के साथ यहाँ पे मैं अपने लिए एप्पल भी छिल रही हूँ, एप्पल कट करके खाऊंगी। ब्लीडिंग की भी दिक्कत होती है टीथ में, जो गम ब्लीडिंग जिसे बोलते हैं वो भी हो रही, तो मुझे हर चीज कट करके फिर खाती हूँ। अगर मैं ऐसे डायरेक्टली एप्पल भी खा लूँ तो मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब मैं पेस्ट करती हूँ तब भी मुझे ब्लीडिंग होती है, तो देख लो कितने सारे सिम्टम्स इस बार हो रहे हैं, क्या करें। मुझे डर लगता है खाने से पहले, इतना सेफली खाते खाते भी ब्लीडिंग खून आ गए, देख रहे हो आप रेड रेड। कुछ नहीं खा पाती हूँ यार इस टाइम पे, बस ऐसा ही हो रहा है, दर्द होने लग गया। और आजकल तो मैं सारे काम फिनिश करने में लग गई, जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ, जो भी पेंडिंग वर्क चल रहा है वो सारे करने की कोशिश कर रही हूँ, कि जितना काम हो सकता है मैं अपना फिनिश करके रख दूँ। क्योंकि और दूसरी चीज क्या होगी कि बीबी कभी भी आए करे, तो ऐसे ही में मतलब एक आइडिया नहीं रहता ना कब आ जाए। तो आपका घर अगर आपने पहले से ऑर्गेनाइज करके रख दोगे ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, अभी मौसम ठीक था तो धीरे धीरे करके कपड़े धो रही थी। और ये वाला कॉर्नर देख रहे हो ना, ये सारे छोटे बच्चे के कपड़े जो मैंने धो के वॉश करके रख दिए। अभी मैं बस इनकी आयरन करूंगी बैठ के, कि एक बार आयरन भी होगी ना तो फिर पैकिंग के ही काम आएंगे। नए कपड़े खरीदने के बाद में भी उनको धोना जरूरी होता है, कि नहीं धोते तो फिर वो खराब ही जाते हैं। और बच्चों को खराब जाते हैं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद को भी नहीं पता। मतलब अगर आप ना जब भी नए बेबी को कपड़े पहनाते हो ना, न्यू क्लोथ्स लाते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग उनको जरूर वॉश कीजिए, क्योंकि बच्चों को एलर्जी होने के पूरे पूरे चांसेज होते हैं, कि बच्चों को रिएक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाए, रैशेज वगैरह हो जाए। तो एक बार है ना बच्चों के कपड़े पानी में से निकाल दीजिए तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बताओ क्या हो गया? दर्द नहीं करे बेटा, दर्द नहीं होए, ये बस ये लगाएंगे दवाई ना लगाए, ये सही हो जाएगा। हाँ अरे तुम भी चलो ना दे बाबू, तभी तो चल क्या किसपे, ये ऊपर जा, ये एक ऊपर खड़ा हो, देखो ना, देखा ऐसा चल जाओ। हाँ चल अच्छा बस है तो ना चलेगा, और नीचे चला चला नहीं उतार कर ना चलेगा। और यहाँ पे मैंने कल कपड़े धोए थे, वो सारे कपड़ों की आयरन करना बचा हुआ था, तो मेरे को आज टाइम मिला था। अभी इवनिंग में तो बैठ के मैं आयरन कर रही थी, ये इसे रख रहे थे, तो मैंने सोचा आयरन करके रख देती हूँ। और पैकिंग अभी मैंने की नहीं है, आप लोग देख रहे हो अभी, तो मेरी पैकिंग की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं मंगा रही हूँ, ऑनलाइन भी कुछ मंगा रही हूँ, कुछ ऑफलाइन बाय कर रही हूँ, जैसे भी मेरे से हो रहा है ना उसी तरीके से मैं धीरे धीरे करके कर रही हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है तो इतना ज़्यादा लोड नहीं है। और एक एक करके सारे कपड़े आयरन करके मैं रख दूँगी, क्योंकि बच्चे को है ना आप कभी भी है ना नए कपड़े मत पहनाओ, मैं तो यही बोलूंगी पर्सनली। जो भी कपड़े आप बाय कर रहे हो ना, पहले उन्हें अच्छे से धो लो, चाहे पानी में से ही निकाल लो आप, और फिर उन्हें आयरन करके आप पहना सकते हो। उससे बच्चे को है ना रैशेज होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता। तो यहाँ पे बस मैं इसकी ड्रेसेज जो मैंने ली है, ये सारी मैंने इसके लिए बाई की है, तो ये सारे मैं अभी इसके लिए आयरन कर रही हूँ। आज कृष्णा के भी पैरों में दर्द हो रहा है, तो उसको संभालना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, उसे हैंडल कर रहे हो। और पता है प्रेगनेंसी में एक टॉटलर को और बेबी को कैरी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यार, इतना ज़्यादा मैंने सोचा भी नहीं था जितना ज़्यादा मुझे हो रहा है यहाँ पे। चलो डंडा पकड़ के
जैसे बाबा चलते डंडे से। ठीक भी तो ऐसे ही हो। चलो चलते दिखाओ। शाबाश देखो चल गए। शाबाश। और अभी मैं बना रही हूँ मैंगो जूस। मैंगो मैंने ऑलरेडी कट कर लिए यहाँ पे। अरे बना के ला रही हूँ। कृष्णा बोल रहा है मैंगो खाऊंगा जूस नहीं पीऊंगा। और यहाँ पे ऐसे इवनिंग स्नैक मैंने ना थोड़े से मखाने खाए थे। सबको ही हमने लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। थोड़े थोड़े खाए थे। एक साथ मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ज़्यादा खाना थोड़ा सा खा लेते बस हो गया। बस काउंटिंग में आ जाता है ना कि मैंने कुछ खा लिया, मखाने खा लिया, ये वो। मन को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है जब हम थोड़ा सा भी खा लेते हैं। और ज़्यादा तो मन ही नहीं करता खाने का। तो मैं यहाँ पे अपने लिए और सबके लिए ना मैंगो जूस बना रही थी। तो बस सारे मैंगो कट कर लिए थे मैंने अच्छे से और फिर उनका जूस बनाया था। नॉर्मली जैसे बनाते हैं आइसक्रीम में, यहाँ पे ऐड नहीं करते, बिना आइसक्रीम का बनाती हूँ। रुके बेटा, कौन सा वाला पसंद है आपको? कैसा बना शर्मा जी? मम्मा को रहोगे? वॉक करना स्टार्ट किया है तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं वॉक करूँगी। अभी ज़्यादा लॉन्ग वॉक स्टार्ट नहीं की क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैंने अभी स्टार्टिंग की है कि मेरी स्टार्टिंग तो एटलीस्ट। तो बस मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ कुछ देर के लिए। और अब मुझे धीरे धीरे अपनी लाइफ स्टाइल में भी थोड़े से चेंजेस लाऊंगी कि थोड़ी सी मेरी नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस हो सके, थोड़ी हेल्थ वगैरह भी थोड़ी ठीक रहे अगर। क्योंकि बहुत टाइम से रेस्ट पे ही हूँ, कम से कम 2-2.5 महीने हो गए कि मैंने कम्प्लीटली रेस्ट ही किया है। वैसे काम तो मैं हाउस होल्ड चोर कर रही थी पर जैसे फिजिकली इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, रेस्ट ही कर रही थी। एंड यहाँ पे आज मैं खाने में बना रही हूँ पूड़ी। मैं नहीं, शर्मा जी भी है साथ में, वो भी मिल के बना रहे हैं। तो पूड़ी बन रही है और आलू की सब्जी बन रही है। ये पूड़ी को बेलते जा रहे हैं और मैं कढ़ाई में से उतारती जाऊंगी। तो गर्मी के अंदर, गर्मी तो क्या, मौसम अच्छा हो रखा है, थोड़ा पूड़ी खाने लायक है ही। तो बस यहाँ पे पूड़ी बन रही है, साथ में आलू की सब्जी बनेगी। मन कर रहा था मेरा पूड़ी खाने का स्पेशली, इसलिए मैंने आज पूड़ी बनाई है। बनाई नहीं है, बनवाई। नहीं यार, मैं भी बना रही हूँ। हंस रहे, स्माइल कर रहे हैं पर बोलेंगे कुछ नहीं, क्या फायदा बताओ। आज तो शर्मा जी पर मैं मैचिंग ड्रेस भी हो रखी है, देखो। मैचिंग नहीं है। कैसे नहीं है? देखो देखो, कुछ तो मैच हो रहा है। तेल गर्म होने वाला है और मैं उतारूंगी पूरी। पर अब रात को तो थोड़ी गर्मी हो गई। किचन में तो वैसे गर्मी लगती है, पसीने आने लग जाते हैं। कुछ भी करो चाहे। बोल क्या था? कुकर वाले आलू प्याज पकती सब्जी में तो फिर टमाटर डलती है ना। आज का पता वीडियोस क्या है? टमाटर के बिना टमाटर की सब्जी कैसे बनाओ? हर सब्जी का, हर सब्जी बिना टमाटर की रेसिपी चल रही है। तो बेचारे लोग क्या करे, इतना महंगा टमाटर, इतने ज्यादा महंगे टमाटर हो गए।
मैं जो देखता हूँ ना, उस दिन देखी थी ना, उसके मुझे वही वही वीडियोस आती हैं। एक बार जो देख लेते ना बिना टमाटर के कैसा बना है। हर कोई डाल रहा है, अच्छे अच्छे यूट्यूबर भी अच्छे डालते थे, जिन जो वीडियो सारे बिना टमाटर के आ गए, सारे सारे टमाटर के दही यूज ले रहे हैं। दही से भी तो सेम खटाई आ जाती है, खटाई भी आती है, ग्रेवी भी आती है। तनु दिया ना।